नमस्ते दोस्तों दोस्तों आज हम आए हैं श्री ज्ञानेश्वर महाराज जी के जन्म स्थान पर। दोस्तों ये बहुत ही पवित्र लोकेशन है और जगह का नाम है आपे गांव, जो कि पैठन के पास है। ये जो सामने आप मंदिर देख रहे हो, यही जन्म स्थान है जहाँ पे सभी भाई बहनों का जन्म हुआ था। काफ़ी बड़ा परिसर है। और ये जो मैं आपको अभी लेके चल रहा हूँ, ये सामने दीवार पे इनकी पूरी जीवनी अंकित की गई है तस्वीरों और पेंटिंग्स के माध्यम से। ज्ञानेश्वर महाराज जी की जीवन यात्रा का एक छोटा सा परिचय है। बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग की गई हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो ज्ञानेश्वर महाराज जी का जन्म स्थान है, ये इस गांव में आज भी उन्हीं के नाम से ये पूरी जगह है। रिकॉर्ड्स में उन्हीं के नाम पर ही है, ज्ञानेश्वर जी के महाराज के नाम पे। आप सब लोग जानते हैं कि ज्ञानेश्वरी इन्होंने ही लिखी थी। ये महाराष्ट्र का बहुत ही पावन ग्रंथ है, गीता का ही रूप है ज्ञानेश्वरी। तब हम आ गए हैं जन्म स्थान पर। ये देखिए बहुत ही सुंदर मूर्ति है श्री ज्ञानेश्वर जी की। यही स्थान है दोस्तों, इनका जन्म स्थान है। पहले यहाँ पे एक वाड़ा हुआ करता था लकड़ी का, जो कि टूट गया, फिर बाद में यहाँ पे दोबारा ये पूरा मंदिर कंस्ट्रक्ट किया गया है। और पीछे ही आप देख सकते हो गोदावरी नदी बह रही है। तो यह है पूरे मंदिर का आसपास का पूरा व्यू। दोस्तों मैं आपसे चाहूंगा कि अगर आपको समय मिले तो आप ज्ञानेश्वर जी के बारे में जरूर जानें। इनकी पूरी जीवन कथा बहुत ही प्रेरणादायी है और बहुत ही कष्टों में इन्होंने अपना पूरा बाल्यकाल, अपना बचपन का जो समय है गुजारा है। चारों भाई बहनों ने बहुत स्ट्रगल किया है। इनकी जीवनी वाकई जो जानने योग्य है। और साथ में ये गुरुनाथ महाराज की समाधि है। ये इनके भक्त त्र्यंबक हैं, ये उनकी समाधि है। मेरा दावा है दोस्तों, अगर आप इनके जीवन के बारे में जानेंगे तो आप अपने आंसू रोक नहीं पाएंगे। और साथ ही में अन्य साधु संतों की भी यहाँ पे मूर्तियां हैं जहाँ पे पूजा की जाती है। और ये जो बड़ी सी आप मूर्ति देख रहे हो, जनाबाई की मूर्ति है। साथ में शिवलिंग नंदी बाबा। ये देखिए ये सबसे बड़ी मूर्ति ज्ञानेश्वर महाराज जी की है। कितनी सुंदर मूर्ति बनी है। तो दोस्तों ये था ज्ञानेश्वर महाराज जी के जन्म स्थान का पूरा व्यू। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। जाते समय कुछ तस्वीरों के साथ आपको छोड़े जा रहा हूँ, ज़रूर देखें।